नमस्कार, मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। घर मेरा प्रयाग जाना हो और गंगा स्नान न हो ऐसा होता नहीं है, या कहें कि ये एक ऐसा अपवाद है जो लगभग अपवाद ही रह जाता है। इस बार भी प्रयाग पहुँचे तो ये तय हुआ कि पहले गंगा स्नान कर लिया जाए। लेकिन इस बार गंगा स्नान करने के लिए जब हम संगम पहुँचे और उसके बाद संगम से लेकर बंधुआ तक जो हमने दृश्य देखा वो अकल्पनीय था। और अगर उसे ध्यान से समझ लिया जाए तो देश में चल रही हिंदू धर्म पर होने वाली बहस वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये कि टीवी चैनलों में बहस करने वाले या फिर राजनीतिक दलों के प्रवक्ता के तौर पर कुछ भी बोलने वाले, कुछ भी ऊट पटांग कह देने वाले लोग इसे समझना ही नहीं चाहते। संगम की रेती पर प्रतिवर्ष एक महीने का माघ का जो मेला लगता है वह मेला एक महीने के लिए लगता है, लेकिन दरअसल संगम की रेती पर, संगम के किनारे इस तरह का मेला लगभग प्रतिदिन लगा होता है। और यह मेला अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि यहाँ आने वाले लोग जाने कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। सबकी अपनी मन्नत है, सब ने कुछ कुछ मांगा हुआ है, किसी की वो मांग पूरी हो गई, किसी ने जो मांगा है वो पूरी हो इसलिए यहाँ आए हैं। और आपको ये जो निशान चढ़ते हुए अभी दिखेंगे, जो संगम के किनारे भी लोग ऊंची ध्वजाएं लहरा रहे थे, और ये देखिए ऊंट पर, घोड़े पर, अलग अलग ये दृश्य है। करीब करीब 47 डिग्री टेम्परेचर, 47 डिग्री तापमान में यूं बैंड बाजे के साथ नाचते झूमते गाते मस्त लोगों का ये शंकर विमान मंडपम, ये बजरंगबली का मंदिर। और ये जो निशान है मंगलवार के दिन चढ़ाए जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदे लोग अपने गांव से, घर से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गंगा मैया के पास आ रहे हैं। और ये जहां से चले थे भले ही सारे निशान के झंडे एक जैसे दिख रहे हैं, ये अनेकता में एकता का बहुत बड़ा उदाहरण है। झंडे एक जैसे हैं, लोग एक तरह के उत्साह में हैं, लेकिन दरअसल कोई अपनी किसी देवी के यहाँ से ये झंडा लेकर चढ़ाते हुए आया है, किसी के बजरंगबली हैं, किसी के भगवान शंकर हैं, किसी के राम हैं, किसी के कृष्ण हैं। मैं कितने नाम, कितनी देवी देवताओं की प्रतिमा मूर्ति उनकी बात करूँगा, लेकिन सबके झंडे निशान के पीछे है वो आस्था, वो श्रद्धा, वो विश्वास जो उनको इस 47 डिग्री तापमान में भी उत्साह से लबरेज किए हुए हैं, पूरी तरह से उत्साह से भरे हुए हैं। यही वो आस्था है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हिंदू होना क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, सर्वोच्च न्यायालय, कि हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ, तो ये कोई अंग्रेजी का एक छोटा सा वाक्य नहीं है। ये हिंदू धर्म का जीवन प्रवाह देखना हो तो देश के किसी भी ऐसे स्थान पर चले जाइए और समझिए कि हिंदू होना क्या है, उनकी मान्यताएं क्या हैं, कैसे ये देश चल रहा है, कैसे यह देश हर तरह की मुश्किल विषमताओं, हर तरह के जितने संकट आते हैं उस सब का समाधान खोज लेता है। और यही हिंदुस्तान है, जो सिर्फ संगम की रेती पर नहीं, देश के हर हिस्से में ऐसे ही दिखता है। तीर्थराज प्रयाग में यह जो दृश्य है ये मेरे लिए अविस्मरणीय रहा, इस बार की प्रयाग यात्रा भी और यह संगम का स्नान भी। आप देखेंगे कोई पंडों के अलग अलग जो नाम हैं, अलग अलग लोग आते हैं, सीधे पहुंच जाते हैं अपने पंडे के पास और वो उनको विधि विधान से पूजा कराकर, कहीं कोई दबाव नहीं। बहुत सी आलोचना होती है इस पूरे, कहें कि इस पूरी पद्धति की, इस पूरी प्रक्रिया की, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष को, या कहें कि संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में अगर हिंदुओं को जोड़कर रखा है तो इसी पद्धति, इसी परंपरा, इसी पूजा, इसी उपासना ने जोड़कर रखा है और उस भरोसे ने जोड़कर रखा है जो उनको एक लाल रंग का निशान, झंडे का लेकर आते हैं, नाचते गाते हाथी घोड़ा ऊंट बैंड बाजा और आते हैं गंगा मैया के किनारे अपनी इच्छाओं के लिए मांग लेते हैं हाथ जोड़कर, अक्सर वो पूरी भी हो जाती है।
अगर नहीं पूरी होती तो बरसों बरस से यह सिलसिला यूं ही चलता नहीं होता और लोग ऐसे गर्मियों में इस तरह से न तो निशान चढ़ाने आते और न घनघोर सर्दी में एक महीने के लिए कल्पवासी बन जाते। संगम की रेती पर कल्पवासी होना और यूं 47 डिग्री तापमान में झंडे का निशान लेकर अपनी मांग लेकर जाना, कोई नहीं दिखता। किससे मांगना है, कब तक मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो नाराज हो जाएंगे या प्रसन्न रहेंगे, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। सब कुछ छोड़ दिया भरोसे पर किसी के और वो भरोसा पूरा होता हुआ दिखता है। इतनी लंबी कतार थी कि उसकी रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए संभव नहीं था। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतार लगी हुई थी और वहाँ जब मैंने पंडा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह संख्या हजारों में जाती है। यह है हिंदुस्तान, यह है हिंदू होना, यह है हिंदू धर्म में आस्था की पवित्रता, उस श्रद्धा, उस उपासना के साथ जो जिसको कहते हैं ना कि सब कुछ हासिल कैसे कर सकते हैं। तो आप कहीं एक बार समर्पित होकर देखिए, ये किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, किसी के खिलाफ नहीं खड़ा होता, किसी के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़नी है, ये किसी युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी को हिंदू बनाने नहीं जा रहे हैं, ये सब सिर्फ हिंदू बने रहना चाहते हैं और यह अधिकार तो कम से कम होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।